गाइज, इंडिया में या फिर ग्लोबल में जो हाइपर ओएस के अपडेट्स हैं वो काफ़ी सारे डिवाइसेस को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जिनको अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो MI पायलट टेस्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया था। लेकिन कुछ ऐसे भी यूज़र्स हैं जिनके काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर MI पायलट टेस्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया है, बट फिर भी उनको हाइपर ओएस का अपडेट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने यहाँ पर MI पायलट टेस्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है फिर भी आपको अगर अपडेट नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जिन्होंने MIUI के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हाइपरवेस के आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो MIUI वाला अपडेटर है वो कुछ डिवाइसेस में यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन हाइपरवेस का है वो कैसे करना है, जिससे एग्जैक्टली 100% आपको हाइपरवेस का जो अपडेट है इंडिया में आएगा तो वो सबसे पहले मिले, क्योंकि अगर इसमें एक भी अगर आपने जो स्टेप है वो गलत कर दिया तो आप यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव नहीं होगा और हाइपरवेस का जो अपडेट है वो आपके डिवाइस में पहले देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको सारा डेमो दिखाने वाला हूं पूरा कि किस तरीके से इसको यहां पर अपडेट करना है, किस तरीके से इसका जो यहां पर मतलब फॉर्म है वो फिल करना है। लाइव डेमो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और एग्जैक्टली यहां पर कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनके लिए यहां पर हाइपरवेस का जो रजिस्ट्रेशन अवेलेबल, क्योंकि यहां पर कुछ नए डिवाइस और भी ऐड हो चुके हैं, क्योंकि जो न्यू रिलीज हैं उनको भी Xiaomi ने यहां पर इस लिस्ट में ऐड कर लिया है। तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वही वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक जरूर दें। तो चले करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं लाइव रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसमें आपने एक भी मिस्टेक अगर मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया या कोई भी मतलब स्टेप जो है वो सही से फिल नहीं किया तो आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर Xiaomi अप्रूव नहीं करेगा, तो आपको ऐसा लगे कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन अपडेट आपको फिर भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। यह है रेडमी नोट 11, इसको मैं रजिस्ट्रेशन लाइव करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं MIUI 14 का ही अपडेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी हाइपरवेस नहीं आया है, डेफिनेटली काफ़ी जल्द आएगा। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो इस वीडियो में आपको लाइव देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र ने रजिस्ट्रेशन तो किया है बट यहाँ पर अपडेट जो है वो नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको भी नहीं मिले, इसलिए इसको बिल्कुल ही सही तरीके से फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस थ्रेड का जो लिंक है हाइपरवेस के अपडेटर का वो मैं आपको टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह दे दूंगा। तो सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो पहली स्टेप है और यहाँ पर आप देखोगे इन्फॉर्म्ड कोर्सेस फॉर्म, तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहाँ पर सबसे पहली जो स्टेप है उसमें तो मैं जो स्टेप यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको यही जो है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर आप देखोगे स्टेप वन है, वन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर येस करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। देन सेकंड स्टेप में भी आपको यहाँ से येस करना है, देन यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में भी आपको येस करना है, देन यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको फोर्थ स्टेप में पूछ रहा है कि आपकी जो एज है वो 18 ईयर अंडर है या फिर अबव है, तो यहाँ पर हमें 18 ईयर ओल्ड कर देना है, देन अबव कर देना है, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको आपके MI ID के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास कोई MI ID वगैरह है या नहीं है, तो हमारे पास MI ID है, यस करेंगे, देन यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से बीटा रूम के बारे में कैसे अप्लाई करना है या टेस्टर रिक्रूटमेंट प्रोग्राम वगैरह के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर एस आई हैव रीड केयरफुली एंड एग्री, तो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद सेवन स्टेप में भी यहाँ पर बैकअप के बारे में बोल रहा है कि आप बैकअप वगैरह ले लेना, नहीं तो कुछ डिलीट हो जाए, ऐसा खैर होता नहीं है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर यस करना है, देन नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद भी हमें यहाँ पर यस करके नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद नाइन्थ स्टेप में भी हमें यहाँ पर येस आई हैव रीड केयरफुली एंड एग्री पे क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइसेस की लिस्ट मिलेगी, तो यहाँ पर कौन कौन से नए डिवाइस ऐड हो गए वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। MI सीरीज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे मच बेटर डिवाइस जितने भी नए आए हैं यहाँ पर वो सारे ऐड आपको मिलेंगे, जिसमें Xiaomi 11 है, 11 हाइपर चार्ज है, Xiaomi 11T, 11T प्रो है, Xiaomi 11 लाइट एनी जो 5G मॉडल है वो मिल जाता है, जो कि इंक्लूडिंग इंडिया में भी चलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी ओल्ड डिवाइस हैं जिनको अपडेट नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन उनका भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पॉपुलर सीरीज जो कि रेडमी सीरीज है जिसमें नोट सीरीज और रेडमी सीरीज आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे काफी सारे नए डिवाइस Xiaomi ने ऐड कर दिए, जिसमें यहाँ पर Redmi 13C है, Redmi 12 है, Redmi 12 5G है, Redmi Note 12 है, Redmi 12C है, Redmi Note 12 5G है, देन यहाँ पर 5G Pro Plus आपको मिल जाते हैं, Redmi Pad है, Redmi 11 Prime है, Redmi K50i है, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro Plus, Redmi Note 11 जो कि ऑलरेडी मैं ये वाला डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। मैं तो ऑलरेडी काफ़ी सारे डिवाइसेस का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट किया, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन अभी MIUI वाला चल रहा है, तो हो सकता है कि इसको अपडेट ना मिले, इसलिए यहाँ पर हाइपरवेस का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो आपको भी 100% ये करना ज़रूरी है। Redmi Note 11S है, Redmi Note 11T और यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Max है, Redmi 10 है, Redmi 10 Prime है, Redmi Note 10 है, इसको अपडेट नहीं मिलेगा मत करना, Redmi Note 10S है और यहाँ पर Redmi 10 है, ये काफ़ी सारे डिवाइस मिल जाते हैं। अभी हम बात करेंगे Poco सीरीज़ में कौन कौन से कुछ नए मॉडल्स ऐड कर दिए गए, जिसमें आप देखो Poco C65 है, 55 है, Poco X5 Pro है, उसके बाद F4 है, M4 है, M4 5G और यहाँ पर F3 GT और उसके साथ M3 वगैरह और भी काफ़ी सारे मॉडल्स मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं अपने Redmi Note 11 के लिए। तो हम यहाँ पर Redmi Note 11 के अंदर जाते हैं, तो आप देखोगे Redmi Note 11 स्पेस मॉडल यही वाला है जो कि इंडिया में चलता है, तो ये नेक्स्ट कर देंगे। देन यहाँ पर हमारे फोन में जो MI ID वो हमें यहाँ पर फिल करना है, तो वो कहाँ मिलेगी, सेटिंग में चले जाना है आपको,
देन उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर शाओमी अकाउंट के नाम से ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें अकाउंट में पर्सनल इन्फो में चले जाना है, यहाँ पर शाओमी अकाउंट, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो मतलब ऑटोमेटिक जो है वो इसको कॉपी कर लेता है। तो यहाँ पर आएंगे हम, उसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, तो हमने इसको पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर हो गया, मतलब 15वीं स्टेट है, 15 स्टेट पर हम आ चुके हैं। देन यहाँ पर एस करेंगे और यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड क्लोज बीटा यूज़र परमिशन। और यहाँ पर आप देखो वेट द, मतलब इसका बोल रहा है कि वेट थोड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो अप्रूवल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया, इस तरीके से अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करोगे तो 110% आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। और उसके बाद हाइपरOS का जो अपडेट है वो आपको डेफिनेटली 110%, मतलब जिस दिन रिलीज़ होगा उसी दिन आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे भी आप करते हो आपके पास पर ये सक्सेसफुली का मैसेज आ जाना चाहिए, तभी आपका होगा, वरना कोई एरर आ जाएगा। तो समझ सकते हो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी यार लॉट्स ऑफ वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।